स्टार्ट कर ब्लॉग, मेरे को मतलब स्टार्ट कर ब्लॉग। कैसे? कैसे करते? हेलो गाइस, वेलकम टू। अरे यहाँ देख के यार। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। अरे तेरे हिसाब से बोल जो तुझे बोलना है। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? हम बढ़िया। अब आप बताएं, खाने की सीटी बज गई? सॉरी गाइस, आप लोगों को ये थोड़ा सा सहना पड़ा। बाकी हेलो, हाउ यू आर? आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड। और स्वागत है आपका अपने नए व्लॉग में। 4 बज रहे हैं अभी और इन सब में बहुत लेट हो चुका हूँ मैं। तो अभी कुछ नहीं, सिर्फ खाना खाएंगे। नहा धो के रेडी हैं अपन। अभी लाइट भी गई हुई, लाइट भी अभी 15 मिनट पहले आई है। तो खाना देखो यार, थोड़ा वैसे कोको टाइप फील आती है। खाना बन गया है बस। ओह, ये तो कैमरे पे आ गया भाप। तो बस इसको खाएंगे। और अभी हमने मलाई चाप ऑर्डर करी है। ऐसे ही यार आज मन कर रहा था और पापा भी फोर्स कर रहे थे कि खा लो कुछ बाहर से मंगा कर, क्योंकि मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है। तो मलाई चाप और रुमाली रोटी ऑर्डर करी है। मलाई चाप इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स यार सोया चाप में प्रोटीन होता है, तो हम ज़्यादा जंक फूड को अवॉइड करके मलाई चाप के ऊपर ध्यान देते हैं। और चाप में भी मुझे मलाई चाप बड़ी पता नहीं पसंद है, इसलिए मैंने बहुत सारी खा ली है। तो कम से कम महीना भर हो गया मुझे चाप खाए हुए, क्योंकि मेरा वो जी उब जाता ना, बहुत सारी खा लेते हो कोई चीज़ अपन। तो मैंने शायद 1.5 महीने से चाप नहीं खाई है, तो इसलिए भी ऑर्डर्ड दैट ऑल्सो। आज जिम चलेंगे, आज एक शोल्डर वर्कआउट मार के आना है बढ़िया सा। जिम भी काफ़ी अच्छे सेशन जा रहे हैं और बॉडी भी अच्छी ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है। थू थू नजर ना लगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत, सावधान रहे, सतर्क रहे। भाई मुझसे कभी पानी नहीं फैलता, लेकिन जब भी पीछे से बोलता ना कि पानी मत फैलाइए उभरते हुए, मेरे से फैल जाता। अभी भाई उसके साथ खा लियो। अच्छा वैसे बन गया ना। अच्छा ठीक है, तो चाप का वेट करते हैं, उसके साथ में खाना खाएंगे। ओके तो भी बन जाए। छत पे क्यों ऑर्डर करता है? मौसम दिखाने नहीं, वो तो बारिश का ही हो रहा है फिलहाल, किसी और के लाया हूँ मैं। ये एक ही सीन में तुम्हें कितनी बार दिखा चुका, आई डोंट नो ना, बट माय गॉड आज तो खतरनाक ही हो रहा है यार। वो देखो यार, आई डोंट नो ये कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, बट वाओ यार, इट फील्स रियली गुड। कितना सुंदर हो जाता है बारिश वारिश के बाद। वैसे मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ बताऊँ? मुझे एक रील बनानी है छोटी सी, तो मैं सोचा उसके लिए बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसे बारिश वाला हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जवानी दीवानी का एक डाल दोगे भैया, बना लेते हैं अभी। ओके भाई, काफ़ी सारी रील वील बना ली है, चलो रील चलते हैं। अब व्हाट्सएप पर पोस्ट करूँगा यार, इंस्टा भी नहीं करूँगा। बाकी मौसम, हवा यार, ये जो दिन चल रहे हैं ना अभी, जिस मौसम के, ये बेस्ट दिन है, बेस्ट मौसम, बेस्ट दिल्ली का। मतलब यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, वरना क्या बताऊँ वो शायद। और अपना डिलीवरी वाला आ गया, चलो नहीं चलते। भाई बड़ी देर लगन पर आ गए हैं भैया, चलो रिसीव करने चलते हैं पार्सल। बिल्कुल गेट के सामने, क्या बात है, काफ़ी देर हो गई यार। भाई जोरदार भूख लग रही है, बस जाके खाना है और कुछ नहीं। बहुत जोरदार भूख लग रही है, मैं बहुत देर तक रुका था इसके लिए। मतलब देख, दिखा गोल गोल ना, ये भगवान। हमने इनसे स्पेशली बोला था कि थोड़ा सैलेड वैलेड देते ना, तो ये दिया सैलेड के नाम पे इन्होंने। चाप पे सैलेड कर दिया, चाप पे क्या बर्बाद टेस्ट है। ऐसी कुछ दिख रही है अपनी मलाई चाप, तो टेस्ट टेस्ट करते हैं। ठंडी हो गई भाई, क्या है। It's time to do a amazing shoulder workout. तो अभी चल रहे हैं अपन जिम, और अभी बज रहे हैं, बहुत लेट हो गए हैं, 6:15 हो रहे हैं होपफुली। ओ माई गॉड, 7 बजने वाले हैं, बहुत लेट हो गए मान। अगर हम अभी जा रहे हैं तो मान के चलो 8:30 बजे तक आएंगे, खाना 9 बजे बनने में, 10 बजे तक खाएंगे, तो मतलब काफ़ी लेट हो जाएंगे यार, ब्लॉग भी लेट होगा। कोई बात नहीं, अभी ज़्यादा सोचते नहीं, और अभी सिर्फ अभी चलते हैं। तो अभी अपन तैयार हैं, बैग लेना है भाई। कुछ भी हो गया दैट चाप, बहुत गुप्ता जी ने बहुत डिसअपॉइंट करे। गुप्ता जी चाप, मलाई चाप वाले, नोएडा में एक आउटलेट है, इनसे मैं मंगाता हूँ जब भी मंगाता था। और पहले जब मैं दूसरी जगह रहता था ना पीजी के अंदर, भाई इनसे मंगाता हूँ, इतनी सही चाप। मैं रात को सुबह चार चार बजे तक मंगाई, और इतनी सही चाप देते थे। पता नहीं इनका कुक वुक चेंज हो गया, क्या हो गया, इसकी वजह से इनका पूरा क्वालिटी ख़राब हो गया। आज तो इतना डिसअपॉइंट करा ना भाई गुप्ता जी मलाई चाप वाला, मैं क्या बताऊँ। और गरीबी में आटा गिरा वाली बात ये थी कि जो चावल बनाए थे यश ने, वो भी जल गए नीचे से, और मुझे नीचे नीचे का खाने को मिला। तो मैं बोल रहा था बड़े अच्छे चावल। कितना आया अभी तक? गेट बंद कर। ले ले राम राम छोड़, ले ले राम। अभी चाहिए गाना गाया, MC स्क्वायर ने वाला यार। एक बात है,
अपन एक भी वर्कआउट मिस नहीं कर रहे, लाइक संडे को भी जा रहे हैं, पर बॉडी ऐसे कोई फटीक नहीं लग रही है। शायद क्योंकि सुबह की नींद अच्छी चल रही है और डाइट भी अच्छी चल रही है, इसलिए शायद आई डोंट नो। खाने का और नींद का फ़र्क तो पड़ता है भाई, भाई साहब ऐसा दिख रहेगा। चलो अच्छा खासा वर्कआउट मार के आते हैं। भाई आज की भीड़ देख करके लग नहीं रहा था कि शूट हो पाएगा, तो मैंने शूट किया भी नहीं। बाकी डेड एन अमेजिंग शोल्डर वर्कआउट एंड 10/10 वर्कआउट, बहुत मजा आया। हाउ वाज योर वर्कआउट? बढ़िया, पता नहीं आज पहली बार शोल्डर अच्छा है, एंड आज का बहुत अच्छा था 10/10 वर्कआउट। अब घर जाके क्या बनाएगा सोचा? दाल तो दाल दाल क्या चावल बनाएगा या रोटी? रोटी। दाल कौन सी बनाएगा पता नहीं। ओके तो आज मैं दही भी लेके आया हूँ अपने लिए, और इसमें अपन को 400 ग्राम है यार, ये उसकी कैलोरीज ये बता रहा है कुछ 276 भूल गया है, 265 ऐसे कुछ कैलोरीज थी, और 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन दिस दही का पैकेट, 400 ग्राम्स का ये सही है यार। तो इसको भी साथ में खाएंगे आज अपन, थोड़ा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे। मूंग की दाल ये वाली है, ये मूंग की दाल बनेगी, ये काफ़ी प्रोटीन होता है इसके अंदर। तो या अभी अपन थोड़ा सा नहा के आते हैं, नहा के नहीं मुँह धो के आते हैं और फ्रेश अप होते हैं और फिर खाना खाते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या होगा, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता क्या होगा यार। पुराने गाने बहुत सही थे यार। तो आप मुझे कमेंट बताओ आपका फेवरेट पुराना गाना कौन सा। मैं बहुत सारे पुराने गाने सुनता हूँ, किशोर, रफ़ी, मुकेश, मन्ना डे, और आओ प्लीज़ 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 डोंट नॉक यार, जस्ट कम। नो प्लीज़ नॉक, मैं पता नहीं कैसे बैठता हूँ। ओके गाइस, तो खाना बन चुका है, हमारे पास बैठी है छोटू दीदी। हेलो हेलो बोलो। हेलो, लगता है ईयरफोन्स लगा रखा है। अब ऐसे भी नहीं करेंगे। हेलो बोलो, वहाँ से खड़े हो चिल्ला रहा हूँ। हेलो बोलो। खाना बन चुका है और रोटियाँ बेली जा रही है। पहली रोटी ये हो गई है और ये दाल जो बनी है बड़ी मस्त लग रही है, जो बिल्कुल वो ऐड में आती है ना मसाले वसाले के ऐड में। बिग बॉस देखा जा रहा है, ऐड चल रहा है गाइस। ओके बिग बॉस में ऐड चल रहा है। आप लोग बिग बॉस देख रहे हो क्या? आप लोग बिग बॉस देख रहे हो तो बताना जरूर कि कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है। वैसे मैं नहीं देख रहा हूँ, ये देख रही हूँ। आपका कौन सा फेवरेट है? निमृत। वो जो कैप्टन से हटा दिया इसको अभी? वो कैप्टन ही है अभी। हाँ मतलब हटा दिया था जिसको, अन्य लोगों की वजह से उसकी कैप्टनसी खतरे में आई है, जिसको उसने बचा लिया है। ठंड होने लगी आपको लग रही है? हम तो आज रात को भी कूलर चला के सोएंगे, और मैं पंखा धीरे करके कंबल ओढ़ के सोऊंगा। वी आर हॉट नाउ एंड यू आर कोल्ड। आई नो दैट वाज सॉरी सो काइंड नहीं। हे गाइस, सो एक सेकंड में तो मैं भी बस मैं फ़ोन से सारा कंटेंट अपने मैक में डाल रहा था, तो मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग एंड ही नहीं किया। तो या अभी तो कुछ नहीं, अभी यश देख रहा है आकाश गुप्ता के स्टैंड अप, और मैं थोड़ा एडिट करूँगा देन वी विल स्लीप, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 12। और यार ये बहुत अच्छा स्टैंड अप करता है, मेरा फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन है आकाश गुप्ता, सीरियसली। सो या दैट शॉट पर मुझे पता नहीं ये बढ़िया लगता है। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जाना, कॉमेंट कर देना जैसे पिछले ब्लॉग में कॉमेंट करा ना आप लोगों ने, वैसे कॉमेंट करना वापस कुछ भी, एक हार्ट, गुस्सा, नाराजगी, प्यार, जो व्यक्त करना है कर दो। बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शुक्राना अल्लाह माशाल्लाह, टेक केयर एंड डू व्हाट एवर यू वांट माय लवली फ्रेंड्स। पता है किसका ये एंडिंग किसका आप बताना मुझे कि किसका एंडिंग है ये जो मैंने बोला शुक्राना अल्लाह।